हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट और रिलेशन के बारे में देखा। हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन भी देखे, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांसटिव रिलेशन। और हमने ये भी देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ओके, सो पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन थ्रू आप जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पिछले वीडियो में हमने रिलेशन देख लिए थे, टाइप्स ऑफ रिलेशन देख लिए थे, और ये भी देख लिया था इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, आप डेफिनेशन वगैरह देख सकते हैं कि रिलेशन की डेफिनेशन वगैरह क्या है ना। चलिए अब क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ओके, चलिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट ऑफ इंटीजर है आई। ओके, और रिलेशन आर ऐसे डिफाइन है, ए आर बी क्या है, ए माइनस बी हमारा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ओके, रिलेशन क्या है, ए आर बी अगर रिलेशन है, यानी ए का अब बी से तभी रिलेशन होगा जब हमारा ए माइनस बी क्या हो जाता है, इवन। ओके, देन हमें प्रूव करना है कि जो रिलेशन आर है कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है। ओके, चलिए एक एक करके तीनों रिलेशंस को प्रूव करते हैं। फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अगर किसी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। ओके, हमें प्रूव करना है ए का आपका ए के साथ रिलेशन है और ए क्या है, सेट आई का मेंबर है। ओके, ए आर ए, ए का ए के साथ तभी रिलेशन होगा जब हमारा ए माइनस ए क्या हो, इवन हो। ओके, देखते हैं हमारा ए माइनस ए क्या आता है, ए माइनस ए इक्वल्स टू क्या है, आएगा जीरो। ओके, और आपको पता होगा नंबर जीरो क्या होता है, इवन। ओके, ए माइनस ए हमारा इवन है तो आपका ए का ए से रिलेशन होगा। ओके, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू ए। ओके, चलिए अब हम प्रूव करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमेट्रिक रिलेशन में ये प्रूफ करना पड़ेगा अगर हमारा एलिमेंट ए का बी के साथ रिलेशन है तो क्या बी का ए के साथ रिलेशन है, हमें ये प्रूफ करना होगा। ओके, चलिए। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारा ए इज रिलेटेड टू बी। ओके, ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब क्या हो गया कि हमारा ए माइनस बी क्या होगा, इवन होगा। ओके, ए माइनस बी इज इवन। ओके, इवन नंबर्स क्या होते हैं ये तो पता है ना, आप क्लास 12th पास करके आए हैं तो इवन नंबर पता होने चाहिए क्या होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल है ना। आप कोई भी नंबर उठाइए, 4 2 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है। ओके, और इवन नंबर को हम 2 के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं। देखिए आप, अगर आप 18 लिख रहे हैं तो 2 इंटू 9 है ना, तो आप किसी भी इवन नंबर को आप 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ओके, हमारा a माइनस बी जो नंबर है कैसा, इवन है, यानी a माइनस बी को भी हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ओके, हमारा हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 2 इंटू सम इंटीजर, मैंने क्या मान लिया, m। ओके, m यहाँ पर क्या है, कोई इंटीजर। ओके, और इंटीजर के नंबर के सेट को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, हमारा a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है, 2m। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 2m। सिंप्लीफाई करते हैं हमें मिल जाएगा b माइनस a इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस m। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा b माइनस a नंबर है वो क्या है, 2 के मल्टीपल में है,
और मैंने अभी बताया कि कोई भी नंबर अगर 2 के मल्टीपल में होता है तो कैसा होता है, इवन। ओके सो यहां से आप कह सकते हैं b माइनस ए इज इवन। ओके सो b माइनस ए इवन है, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b का एलिमेंट a के साथ क्या है, रिलेशन। ओके और आपको यही प्रूफ करना था। सो आपका गिवन था a का b के साथ रिलेशन है और हमने प्रूफ कर दिया कि b का a के साथ रिलेशन है, तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ओके चलिए अब हम ट्रांसटिव रिलेशन प्रूफ करते हैं। सो ट्रांसटिव रिलेशन में क्या करते हैं, ट्रांसटिव रिलेशन हमारा गिवन होता है ए का रिलेशन है बी के साथ, बी का रिलेशन है सी के साथ, तब हमें प्रूफ करना होता है कि ए का रिलेशन होगा सी के साथ। ओके सो क्या गिवन होता है, देखिए हमारा गिवन होगा कोई 3 एलिमेंट्स होंगे ए बी सी सेट आई के, गिवन है हमारा ए का रिलेशन है बी के साथ, इसका मतलब क्या होगा a माइनस बी इज इवन। ओके और क्या गिवन होगा, b का रिलेशन होगा c के साथ, दैट मीन्स b माइनस सी इज इवन। ओके और मैंने अभी बताया अगर कोई नंबर इवन होता है तो 2 के मल्टीपल में होता है। ओके सो यानी कि a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू सम इंटीजर। ओके सो हमने लिख दिया a माइनस बी इक्वल्स टू 2 इंटू सम इंटीजर m। ओके m हमारा क्या है, कोई इंटीजर। ओके और b माइनस सी भी हमारा क्या है, एक इवन नंबर, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू सम इंटीजर। सो आपका हो जाएगा b माइनस सी इक्वल्स टू 2 इंटू सम इंटीजर n, n आपका है कोई इंटीजर। ओके अब हम ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन दोनों को ऐड कर देते हैं। ओके सो ऐड करने पर हम मिलेगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 2m प्लस 2n। ओके आप यहां देख सकते हैं हमारा माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिलेगा a माइनस सी इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू एम प्लस एन। ओके तो आप यहां देख सकते हैं हमारा नंबर a माइनस सी क्या है, 2 इंटू एम प्लस एन, यानी कि 2 इंटू सम इंटीजर। ओके सो a माइनस सी हमारा 2 के मल्टीपल में है, तो इसका मतलब होगा a माइनस सी क्या है, हमारा इवन नंबर। ओके सो यहां से हम कह सकते हैं a माइनस सी इज इवन, इसका मतलब है a का रिलेशन है c के साथ, और आपको यही प्रूव करना था। ओके दैट मीन्स जो हमारा रिलेशन था वो क्या हो गया, ट्रांसटिव भी रिलेशन हो गया। ओके सो जो हमारा रिलेशन R था वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है, इसका मतलब जो हमारा रिलेशन R है क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके लिख देते हैं हम, हमारा जो रिलेशन R है क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको यही प्रूफ करना था, है ना। ओके तो जिन बच्चों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन का फायदा क्या होता है। सो इक्विवेलेंस रिलेशन से हम किसी भी सेट को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसका पार्टीशन कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसी एग्जांपल की हेल्प से। तो हमारा सेट क्या था आई, इसमें क्या थे, इंटीजर्स थे। ओके तो मैं कोई इंटीजर पिक करता हूँ, सपोज मैंने क्या पिक कर लिया, 0। ओके सो हमने पिक कर लिया 0। ओके अब देखिए 0 के साथ किन किन एलिमेंट्स का रिलेशन है, 0 के बाद आता आपका 1, तो क्या 0 और 1 का रिलेशन है, कैसे पता करेंगे, रिलेशन क्या था, a माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तो 0 माइनस 1 इवन है, 0 माइनस 1 क्या आपका आएगा माइनस 1, और माइनस 1 आपका इवन नहीं है, इसलिए आपका 1 इज नॉट रिलेटेड टू 0, तो 1 आपका दूसरे पार्टीशन में आएगा क्योंकि 1 आपका 0 से रिलेटेड नहीं है। ओके तो मैं दूसरा पार्टीशन कर देता हूँ, सो आपका 1 दूसरे पार्टीशन बिलोंग करेगा। अब 1 के बाद क्या आता है, 2, क्या 0 और 2 का रिलेशन है, देखिए 0 माइनस 2 क्या आएगा, माइनस 2,
और माइनस टू कैसा होता है इवन, सो आपका जीरो और टू का रिलेशन है इसलिए आपका ये फर्स्ट पार्टीशन में जाएगा। टू के बाद क्या आएगा थ्री, क्या जीरो और थ्री का रिलेशन है, जीरो माइनस थ्री जो कि इवन नहीं है इसलिए आपका जीरो और थ्री का रिलेशन नहीं है। अब चेक करते क्या थ्री का दूसरे पार्टीशन है वन वाले पार्टीशन का रिलेशन है, वन माइनस थ्री क्या आएगा माइनस टू इवन, यानी वन का रिलेशन है थ्री के साथ। ओके अब थ्री के बाद क्या आएगा फोर, जीरो और फोर का रिलेशन है बिल्कुल है, जीरो माइनस फोर इवन है ना, तो आपका जीरो और फोर का रिलेशन है। नेक्स्ट नंबर जो आपका फाइव आएगा, जीरो और फाइव का रिलेशन नहीं है, फाइव का रिलेशन होगा वन के साथ इसलिए आपका ये दूसरे पार्टीशन में जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करके जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका पार्टीशन आ रहा है उसमें आपके इवन नंबर्स आएंगे, इसमें आपके आएंगे इवन नंबर्स ओके, और राइट हैंड साइड में क्या आएंगे ऑड नंबर्स ओके। अब एक और बात, मैंने सेट क्या लिया था, इंटीजर का सेट है, आई क्या है इंटीजर का सेट है यानी नेगेटिव नंबर्स में होंगे, सो जो आपके नेगेटिव इवन नंबर्स हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, आपके ऑड नंबर्स हैं वो आपके राइट हैंड साइड में आएंगे ओके। सो इसमें जो आपके इवन नंबर का सेट होगा इसमें सारे आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, सो आपका जीरो कॉमा प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स एंड सो ऑन ओके। और राइट हैंड साइड में जो आपका ऑड नंबर का सेट है उसमें आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही ऑड नंबर्स आएंगे ओके। सो आपका प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव एंड सो ऑन ओके। सो ये जो आपके दो पार्टीशन हुए हैं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ओके। सो एक और बात मैं बता दूं कि कोई जरूरी नहीं किसी सेट के दो ही इक्विवेलेंस क्लास हों, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ओके। यहां हमारा जो रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग हमें दो इक्विवेलेंस क्लास मिली ओके। सो पहले जो आपका इक्विवेलेंस क्लास है जिनमें इवन इंटीजर्स हैं उसको मैं अगर मैं ई से डिनोट कर दे रहा हूं, और जो आपका राइट हैंड साइड पार्टीशन है जो जिसमें ऑड नंबर्स आए हैं उसे मैंने अगर ओ से डिनोट कर दिया तो ई एंड ओ दोनों क्या है इक्विवेलेंस क्लासेस ओके। मैं लिख देता हूं क्या है ई एंड ओ दोनों क्या है इक्विवेलेंस क्लास ओके ओके। चलिए अब इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्या होती है वो भी देख लेते हैं। इक्विवेलेंस क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको पढ़ने में मजा आ रहा कि नहीं आ जा रहा। अगर आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे बात भी कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं ओके। तो बिल्कुल भी हेजिटेशन ना किया करिए और बताइए कि अपने फीडबैक्स दीजिए कि हमें क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है अपने वीडियोज में ओके। चलिए अब देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन। सपोज आर को रिलेशन है गिवन सेट एक्स में, इफ R is any relation on a given set X, okay? और R क्या है आपका equivalence relation है, R is an equivalence relation, okay? सो पार्टीशन आप तभी कर पाएंगे जब आपका रिलेशन इक्विवेलेंस हो, ये बहुत ही ज़रूरी कंडीशन है, इसको आप बिल्कुल ना भूलिएगा ओके। चलिए अब इस सेट एक्स में आपका स्मॉल एक्स कोई अर्बिट्रेरी एलिमेंट है, लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू आर इज सम अर्बिट्रेरी एलिमेंट ठीक है। अब इस एलिमेंट के लिए हम क्या बनाएंगे क्लास बनाएंगे, और मैंने क्या बताया उस क्लास में वही एलिमेंट्स होंगे जिनका रिलेशन एक्स के साथ होगा ओके। सो इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट में आप एक्स लिख देंगे ओके। सो ये हो गया तरीका इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करने का ओके। सो इस इक्विवेलेंस क्लास में आपके वो एलिमेंट्स होंगे सेट एक्स के जिनका रिलेशन क्या होगा आपका एक्स के साथ रिलेशन होगा ओके। सो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई इक्विवेलेंस क्लास की, आपके बुक में थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही डेफिनेशन है ओके। आई होप सो आपको इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
कुछ खास बातें इक्विवेलेंस क्लास की जो कि जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अभी आपने देखा इस एग्जाम्पल में कि सेट ऑफ इंटीजर को हमने दो पार्टीशन किए, यानी दो इक्विवेलेंस क्लास में तोड़ा, ई एंड ओ। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ई और ओ का यूनियन लेते हैं तो क्या मिलेगा? ओके, ई क्लास और ओ क्लास का जब हम यूनियन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? पूरा सेट आई मिल जाता है। ओके, और एक और खास बात, इक्विवेलेंस क्लास ई और ओ के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, यानी कि सेट ई और सेट ओ में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। ओके, सो इन दोनों ही क्लास का जो इंटरसेक्शन है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? नल सेट फाई। ये दोनों बातें ही हर एक इक्विवेलेंस क्लास के लिए होती हैं। ओके, तो मैं लिख देता हूं, एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। ओके, सो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई हमारा सेट है एक्स, सपोज मैंने क्या किया, उसके कुछ इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म किए। सपोज आपके इक्विवेलेंस क्लास क्या है? इक्विवेलेंस क्लास ए, इक्विवेलेंस क्लास बी, इक्विवेलेंस क्लास सी, ऐसे ही करके हैं। ठीक है, तो कह रहा अगर आप कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास उठाएंगे तो कैसे होंगे? आपस में डिसजॉइंट होंगे, दैट मीन्स उनका इंटरसेक्शन हमेशा कैसा आएगा? फाई। यानी कि किसी भी दो इक्विवेलेंस क्लास में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा। ओके, और फिर बाद में क्या कह रहा है? और आइडेंटिकल, तो कह रहा है या तो दोनों इक्विवेलेंस क्लास सेम ही होंगी या तो बिल्कुल अलग होंगी। ओके, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगा। ओके, अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम होती है आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपको पता ही होगा सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड कर दिया करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।